सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन क्या है? एक फास्ट ग्रोइंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं जो लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तेज ज्ञान देते हैं सर श्री एनलाइटन मास्टर, जिनको सुनकर आज लाखों लोगों का जीवन खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है। तो आइए, तेज ज्ञान की विशेषता क्या है? सिस्टम फॉर विजडम। तो ज्ञान कैसे मिलता है? यहाँ पर सिस्टमेटिकली मिलता है। जैसे एजुकेशन को एक सिस्टम है, वैसे तेज ज्ञान को सरसी जी ने एक सिस्टम दी है। तो सिस्टम से मिला हुआ ज्ञान हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान महाध्यान क्यों बनता है? क्योंकि समझ जोड़ी है। वरना तो हम घंटों भी बैठते हैं मगर वो अनुभव नहीं लेते हैं और फिर उल्टा और थक जाता है मन, क्योंकि ध्यान में बैठने के साथ आँख बंद करके इतने सारे विचार आते हैं जो पहले कभी नहीं आते हैं। मगर समझ मिलती है कि आने वाले थॉट्स को कैसे देखा जाए। तो समझ के साथ ही ध्यान का हम पूरा लाभ ले पाते हैं। तो चलो, हम यहाँ पर आज आए हैं समझने के लिए, आए हैं अपने जीवन में ध्यान का वृक्ष कैसे लगाएं। अगर सवाल पूछा जाए, कितने लोगों को यहाँ पर गुस्सा आता है, क्रोध होता है? कितने लोगों को होता है? हाथ ऊपर करें। यस, मैक्सिमम सभी को होता है। कितने लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है? तो वे भी हाथ ऊपर करें। सोशल मीडिया के खोजी भी हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करते। कितने खोजियों ने देखा है कि हमारे आसपास के लोगों को तनाव है, डिप्रेशन है, रिश्तों में तनाव बढ़ गया है? ये सब हमने देखा है। मगर खुशी की बात क्या है कि इन सब का समाधान अगर कोई है तो ये ध्यान है। आज मेडिटेशन की दवा हम सबको मिलने वाली है। ये तो प्राइमरी चीज है कि हमारा डिप्रेशन कम हो जाए, हमारी एंजाइटी निकल जाए, मगर मेडिटेशन में बैठकर अपने जीवन का पर्पस हमें पता चलता है। और ये खुशी की बात है कि तेज ज्ञान फाउंडेशन में हमें वो गाइडेंस मिलता है, आसानी से हम मेडिटेट कर पाते हैं। तेज, हमारी प्रार्थना है कि सर श्री यहाँ पर आए और हम सबको मार्गदर्शन दे। हैप्पी थॉट्स। सब मान्यताओं का खेल है, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। क्या कल्पनाएं लेकर आप ध्यान में बैठ रहे हैं? वे कल्पनाएं ही बाधा हैं। जैसे ध्यान में इंसान बैठा तो उसके अंदर क्या चल रहा है? कल जैसे ध्यान में मजा आ गया था, आज भी वैसा होना चाहिए। और वो चेक कर रहा है, कंटिन्यूस बैठा है, हो तो नहीं रहा कुछ। क्योंकि उसे पता ही नहीं है ध्यान में क्या गलतियां होती हैं, ध्यान कैसा होना चाहिए। निष्काम ध्यान। ध्यान के दौरान कोई भी कामना को महत्व नहीं देना है, तब मन चुप होगा। और ध्यान के दौरान जब कामना उठे तो उसको कहना है, ये समय तुम्हारा नहीं है, तुम बाद में आना। इस वक्त जो ये समय है पूरा डिवोट करना है। और कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको ध्यान में बैठते रहना है तो आपको सफलता मिलने वाली है। हरदम चेक करते बैठेगा। चेकर यानी मन क्या करता है? चेक करते रहता है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक विचार कम नहीं हुए, थकावट गई नहीं, तो क्या पाया? तो ध्यान जैसी अमूल्य चीज इंसान के जीवन में नहीं है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए जो मार्गदर्शन है उसे लेकर आप जाएं। जो नहीं कर रहे हैं वे ध्यान को अपने जीवन में लाएं, जीवन में ध्यान का वृक्ष लगाएं। ध्यान के वृक्ष की महिमा क्या है? गांव में कोई पेड़ था जो सड़क के बीच में आ रहा था,
दो मित्रों की बातें हो रही है। पहला मित्र कहता है दूसरे से, जो रास्ते में आ रहा था पेड़, उसको काटने के लिए लोग आए हुए हैं। दूसरा पूछता है, अच्छा तो इस वक्त वे किधर हैं? तो पहला वाला कहता है, तेज धूप थी इसलिए उस पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं। ये वृक्ष के साथ संभव है, जिसे काटने आप आए हो वही आपको छांव दे रहा है। ये पेड़ की महिमा है, तो सोचो ध्यान के वृक्ष की कितनी महिमा होगी। जो भी उसकी छांव में बैठता है वो किस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? क्या आपको पता है आज लोगों की ध्यान अवधि कितनी है? सारे लोगों की एवरेज निकाली गई, ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन, कि लोगों को किसी विषय पर फोकस करवाना हो कितनी देर टिकता। आश्चर्य होगा आपको कि ये 2004 में 2.5 मिनट था, कि 2.5 मिनट के बाद पर्सन का ध्यान हट जाता है। तभी मोबाइल इतना फॉर्म में नहीं आया था। आज 2024 में ये है 47 सेकंड्स। 47 सेकंड्स में मन उचट जाता है, कुछ तो बदलना चाहिए। तो ऐसी अवस्था मोबाइल की वजह से स्क्रॉल करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, चंचलता बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो आज ध्यान की जो महिमा है, ध्यान की जो जरूरत है, आज के पहले कभी इतनी नहीं थी जो आज है। आपकी ध्यान अवधि कितनी है और आप इसको रियाज के द्वारा कैसे बढ़ाओगे? प्रतिदिन जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे निरंतरता से, किसी ने ठान लिया इतने दिन में ध्यान करने ही वाला हूं और हर महीने वो कर रहा है, तो वो निरंतरता साल के बाद फल देने वाली है। कुछ हो न हो बैठना है, ध्यान में कुछ होता ही नहीं है, बैठकर मेरा समय बर्बाद होता है। इस समय में मैंने 4 काम कर दिए होते थे, तो मन को बहाना नहीं मिलेगा। आप पहले ही ठान लो, निष्काम ध्यान मैं करने वाला हूँ, और निष्काम ध्यान से तन की तपन समाप्त होती है। आप सब ने ये तपन महसूस की है जब आपके शरीर पर इमोशंस होते हैं, वो इमोशन सहा नहीं जाता और इंसान को पता ही नहीं है। ध्यान आपके लिए सदा उपलब्ध है, यानी हीलिंग का सोर्स, हीलर आपके अंदर है। जिनको हैबिट है ध्यान करने की, वो तुरंत ध्यान में बैठेंगे। ये इमोशन है ना, लेट इट बी, लेट इट बी, धीरे धीरे देखोगे लेट इट गो, लेट इट गो। ये इमोशंस की तपन शांत होने लगेगी, ठंडक आने लग जाएगी, और मन में अज्ञान की जलन, ये इंसान का दुख है, इससे मुक्त होने के लिए भी आप ध्यान की शक्ति को पहचानें। और फिर इस पेड़ की 4 मुख्य टहनियां हैं, तो ये आपको बताएंगी कि आप ध्यान में इन चीज़ों को जागृत करने वाले हो। पहली जो टहनी है, एक कुल्फी की डंडी की तरह आप देख रहे हो ना, ये आपको पकड़नी है ध्यान की डंडी, ताकि ये OTT जो है आपके जीवन से समाप्त हो। OTT क्या है? ओवरथिंकिंग ट्रबल। ओवरथिंकिंग चल रही है क्योंकि
सेंटर ही गायब है। जहां से सोचना है ना, वो रेफरेंस पॉइंट ही गायब है। तो विचार रैंडमली घूमते हैं, तो बोलते हैं ओवर थिंकिंग ट्रबल, और इसी से ही स्ट्रेस तैयार होता है। इंसान चुप बैठ ही नहीं पाता है, और इसी स्ट्रेस की वजह से क्या है, बीमारियां ही बीमारियां। तो हेल्थ के लिए आपको पहली ब्रांच बताई गई, दूसरी ब्रांच देखो, ये आर लिखा है, आर है रिएक्शंस, आपकी खत्म होने लगती है। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत रिएक्ट करते हो, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। सामने वाले ने कहा आपका आज मूड अच्छा लगता है, तो क्या वैसे खराब रहता है? दोनों का मूड खराब। ध्यान में क्या होगा, आप बैठे हो खुजलाहट हो रही, तब तुरंत ऐसा नहीं करोगे, आप बोला अच्छा इधर खुजलाहट हो रही है। प्रतिक्रिया विलंब, यानी आप उसको खुजलाएंगे मगर पहले जानते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, फिर भी ध्यान टिकाते हैं। आपको ध्यान में होल्ड करना आ जाता है, तो ये रोज के ध्यान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होने लगता है। तीसरी ब्रांच जो कहा, पर्पस ऑफ लिविंग, आपको मालूम पड़ने लगता है। आजीविका लक्ष्य रखो, मगर ये मनी किस लिए थी उसे पहचानो, पैसा रास्ता है लक्ष्य नहीं। आखिर में क्या पृथ्वी पर करने वाला हूँ, बचा हुआ जीवन, सारा पैसा मिल गया उसके बाद क्या करने वाला हूँ, ऐसा कुछ होमवर्क किया ही नहीं है, तो ये होमवर्क शुरू हो। चौथी ब्रांच जो है स्वयं की पहचान, आप कौन हो, परम मौन में पहचान होती है। परम मौन आने के लिए आपको ध्यान से गुजरना होता है। स्वयं की पहचान जो अनुभव की बात है, शब्दों में बताकर फायदा नहीं, तो वो आप ध्यान करके देखने वाले हैं। तो सभी आंखें बंद करके कुछ देर बैठें। सबसे पहले सद्भावना स्वयं के लिए, ईश्वर मुझे शांति दे, गॉड ब्लेस मी, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूं, ईश्वर मुझे शांति दे, मेरे शरीर को रिलैक्स करें, सारी सकारात्मक शक्तियां मुझे मदद करें, और अब इस भावना में अगला स्टेप जोड़ेंगे, आवाजें सुनें, चारों तरफ से जो भी आवाजें आएं, ये ईश्वर का संगीत है, फैन की आवाज हो, कुछ चीजों के सरकने की आवाज हो, ट्रैफिक की आवाज हो, बच्चों की आवाजें हो, नॉइज हो, का ईश्वर बजा रहा है, चाहे ये इनकोडेड है मगर ईश्वर बजा रहा है। और क्या क्या आवाजें हैं सब सुनो, संगीत के अंदर जो जो वाद्य बज रहे हैं सबको सुनो, और इस समझ से सुनो कि प्लेड बाय गॉड, मेड बाय गॉड, कंपोज्ड बाय गॉड, मन भी जो बड़बड़ कर रहा है वो ईश्वर द्वारा कंपोज्ड है। अब सब लीला देखो, खेल देखो, अब श्वास पर आ जाओ, अंदर जाती हुई श्वास को वन कहेंगे, बाहर जाती श्वास को वन कहेंगे, एक साइकिल पूरी हुई, बिना जोर जबरदस्ती से जैसे श्वास चल रही है
नंबर देना शुरू करो. 1 1 2 2 3 3 4 4. भूल गए तो वापस 1 से स्टार्ट करना है. प्रेम से, बिना हड़बड़ी, बिना जल्दबाजी के. अब ध्यान में जो भी विचार आएंगे, केवल आसमान में चलने वाले बादलों की तरह उनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे. एक विचार आकर गया, आप कहोगे नेक्स्ट क्या आता है देखते. नेक्स्ट, कोई भी विचार के पीछे नहीं जाना है, नेक्स्ट करके बैठना है. अच्छा नेक्स्ट क्या है देखते, नेक्स्ट क्या देखते हैं. हम बैठे हैं, यह कुदरत को संकेत है कि हमें सब स्वीकार है. इस वक्त वर्तमान में जो भी चल रहा है वो मुझे स्वीकार है. अपना स्वीकार भाव बताने के लिए, दिखाने के लिए हम अपने शरीर और अपनी सांस के द्वारा संकेत देते हैं कि मुझे सब स्वीकार है. अंदर जाती हुई सांस के साथ मन में कहो स्वीकार स्वीकार स्वीकार. अंदर जाती हुई सांस के साथ कहें स्वीकार. इस वक्त जो भी चल रहा है, एट दिस मोमेंट व्हाट एवर इज हैपनिंग इज एक्सेप्टेड. जो भी हो रहा है उसे स्वीकार किया जा रहा है. श्वास जैसे चल रही है चलने दें. कभी श्वास रुक गई है स्वीकार. आंखें खुलवाई जाएंगी, नहीं खुलवाई जाएंगी स्वीकार. थक जाओगे स्वीकार. जब कुछ न हो तो अस्वीकार को भी स्वीकार. बहुत हल्का फुल्का लगे तो स्वीकार. निर्विचार अवस्था है स्वीकार.
इस वक्त आप पृथ्वी पर ऐसी अवस्था में हो जहां सब स्वीकार है। लाइट बंद हो जाए, बारिश आ जाए, स्वीकार। कोई उठा दे बीच में, स्वीकार। स्वीकार करना भूल गए, स्वीकार। सबसे पहले वर्तमान को स्वीकार करना सीखना है। स्वीकार भाव जारी रखते हुए सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जिंदा होने का अनुभव, सेंस ऑफ प्रेजेंस। इस वक्त आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो। और अभी इसी एक्सपीरियंस में कुछ एक्टिविटीज भी होंगी। आपको कल से ही ये चैलेंज शुरू करना है, ध्यान चैलेंज, मिनी ध्यान मैराथन। एक छोटी मैराथन हम शुरू करने वाले हैं। मैराथन का अर्थ है मेरा उत्थान। जो रियल आप हो उसका उत्थान, उसकी जागृति। और उसमें क्या करना है, 15 दिन आपको रोज ध्यान करना है। और ये ध्यान आपको मिल जाएगा संपूर्ण ध्यान, तो वो 20 मिनट का ध्यान चलेगा 15 दिन कंटिन्यूस। और उसमें समझो आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तो तीसरे दिन को क्या कहोगे, नंबर 1। एक दिन बीच में नहीं हो पाया तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कल से वापस 1, 2, 3, 4, 10 हो गए, 11 हो गए, 12वां नहीं हुआ, फिर 1। ये 15 दिन का चैलेंज है आपको, 15 दिन लगातार एक भी दिन खारिज नहीं हुआ। तो आप रात को सोने से पहले भी कर डालोगे अगर आपका दिन मिस हो रहा है तो, कहोगे वरना वापस से 15 दिन है। तो वो जो चैलेंज है यानी संकल्प शक्ति, आप ये चैलेंज स्वीकार करो, 15 दिन पूरे करो, इस ध्यान के समुन्द्र में डुबकी लगाएं, नया जन्म पाएं। चैलेंज शुरू हो चुका है, आप अपना ध्यान जारी रखें। यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। तो अब जो ये मेरा उत्थान चैलेंज है, मिनी मैराथन जो है, हम सब उत्सुक है उसके लिए करने के लिए। तो उसमें QR कोड है, उसके साथ हमें लैंडिंग पेज मिलेगा जहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और हमारा ऐप है। जिन्होंने ऐप रजिस्टर किया है वे तो हैप्पी थॉट्स ऐप के साथ ही कर सकते हैं। तो ये चैलेंज हम करें, ये चैलेंज जैसे अपने लिए है, अपने उत्थान के लिए है। ये जो 15 डेज का चैलेंज है, अगर मिस होता है तो अगेन हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका ज़रूर हम लाभ ले सकते हैं। यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं।
आप सभी ने जो सेवा का मौका दिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद है। यूं ही मिलते रहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।